इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस घंटी वाले आइकन को दबा के हाँ साथियों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अपना पासवर्ड याद नहीं है। यानी कि जब आप जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड फिल करना होता है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो इसके अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको डालनी होती है। उसके बाद ही आप इसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, आपको पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें याद है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये वीडियो केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनको अपना पासवर्ड याद नहीं है। तो यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है और ये प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो, यानी कि नया पासवर्ड इसमें जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इसमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है उसे भी फॉरगेट कर सकते हो एंड आपका पासवर्ड है उसे भी फॉरगेट कर सकते हो। पर दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको सिंपली जो है, आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एंड उसका प्रिंट आउट लिया था, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे, उसको आपको फॉरगेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पासवर्ड यहाँ पर आपको याद नहीं है, तो आप सिंपली पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर जो है तीन तरह से आप इसमें पासवर्ड को जो है फॉरगेट कर सकते हो। तो आपको इस पे फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसमें तीन तरह से इस एडमिट कार्ड का जो पासवर्ड है उसे फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है, उसमें आपको जिस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय आपसे कुछ इसमें पूछा गया था, सिक्योरिटी आंसर उसमें पूछा गया था, तो वो उसके ज़रिए मतलब आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। इसमें फर्स्ट वाला है, जिस समय आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय रजिस्ट्रेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग में आप जो है, आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उसके हिसाब से इसमें आप जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसके ज़रिए आप इसमें बदलाव कर सकते हो। एंड दोस्तों, जो थर्ड नंबर है वो उसमें आपको जो है, ये जो आपका ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए आपको मैसेज भेजा जाएगा एंड फिर आप जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको इसके अंदर जो है एक करके बता देता हूँ। जैसे कि यदि आपको मोबाइल नंबर से करना है, तो आपको सिंपली इस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, यानी कि सेकंड पे एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप इस पे कंटिन्यू करोगे, तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आने वाला आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो इसमें आपको सिंपली अपने एप्लीकेशन नंबर फिल करने हैं, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा यानी कि सिक्योरिटी पिन आपको ये फिल करने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन लिखे हुए है। इस तरह से आपको इसमें फिल करके एंड आप जो अपना पासवर्ड है फॉरगेट कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे दोस्तों। इसी तरह से जैसे यदि आपने ईमेल में यदि आप फिल करोगे, तो इसी तरह का इंटरफेस आपको वहाँ पे भी जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आपने पासवर्ड यदि आपको जो है पासवर्ड याद नहीं है, तो आप इस तरह से फॉरगेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।